हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूँ भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कहानी हार्टलेस माफिया द डेंजरस मैन का एपिसोड नंबर 23। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। अगर तूने मेरी माया को कुछ किया तो, सावंत कपूर गुस्से में तिलमिलाया। तो तू क्या करेगा डॉक्टर, तेरी माया को मैं माफ़ तो नहीं करूँगा। तेरी माया ने मेरा बहुत दिल दुखाया है और तौर उसकी सबसे बड़ी गलती यह है कि उसने मुझे छोड़कर किसी और को चाहा और मेरे साथ प्यार का नाटक किया। मैं भी तो उसके साथ, बोलते हुए वो मुस्कुराया। उसके आखिरी शब्द डॉक्टर सावंत कपूर को अंदर तक कपा जाने के लिए मजबूर कर गए। वो तुरंत घबरा सा गया और उसने कहा, नहीं सिद्धार्थ, तुम गलत समझ रहे हो। माया किसी के साथ उसने किसी से प्यार नहीं किया। मेरी माया ने जो किया मैंने ही सब कुछ किया था। डॉक्टर सावंत कपूर जैसे कुछ बोलना चाहता था लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था, जैसे वो एकदम अंदर ही अंदर पछता रहा हो। उसने कहने की कोशिश तो की लेकिन वो शब्द जो कहना चाहता था वो उसके होठों से निकल नहीं रहे थे। तेरे हाँ नहीं कहने से कुछ नहीं होगा डॉक्टर, तू भी जानता है तेरी बेटी का मन कितना काला है। और पता नहीं तुम लोग नॉर्मल लोगों की जान कैसे बचाते हो, तुम तो जीते जागते राक्षस हो जो किसी बूढ़े इंसान को तड़पता हुआ देखकर बस मुस्कुरा रहा था। याद कर डॉक्टर, वो तू ही था ना जब मैं तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था कि मेरे पिता का ऑपरेशन कर दे, मैं पैसों का इंतज़ाम कर दूंगा। लेकिन तू ही था ना जिसने बस ये कह दिया था कि फीस मायने रखती है, इंसान नहीं। तो अब क्या हुआ, बोलते हुए उद्देश्य बड़े गुस्सैल तरीके से मुस्कुराया। डॉक्टर सावंत कपूर के रोंगटे खड़े हो गए। देखो सिद्धार्थ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हम अपनी दुश्मनी भुला देते हैं, तुम मेरी माया के साथ कुछ मत करो, उसे छोड़ दो। तुम चाहो तो उसे दूसरी लड़की जिया को मार दो मेरी माया के बदले, लेकिन मेरी माया को कुछ मत करो और मेरी अपूर्वा वो भी बच्ची है, उद्देश्य बोला। डॉक्टर तुझे पता है तू क्रिकेट है, कब कहाँ कैसे तू रंग बदल लेगा कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन डॉक्टर तेरा पाला मुझसे पड़ा है, तुझे तेरी बेटी जिंदा तो नहीं मिलेगी, इसकी तो मैं फुल गारंटी देता हूँ। ये कुछ दिन ही चल रहे हैं उसकी ज़िंदगी के, इसके बाद वो इस दुनिया से आज़ाद, क्योंकि मैं अपने साथ किए गए धोखे का बदला और अपने साथ किए गए अन्याय का पूरा बदला लूँगा। जिस तरह से तूने मुझसे मेरे पिता को छीन लिया, मैं भी उस तरह से तेरी बेटी को तुझसे छीन लूँगा, एक नहीं दोनों को छीन लूँगा, ताकि तू तड़प तड़प कर मर जाए, और फिर भी नहीं मरा तो मैं तुझे अपनी गोलियों से मार दूँगा। सावंत कपूर का पूरा चेहरा काला पड़ गया ये सुनकर, और वो अंदर ही अंदर डर रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उद्देश्य बीते हुए कल का एक एक पहलू याद रखेगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, उसकी कोई गलती नहीं है, मेरी माया की कोई गलती नहीं है, मेरी माया निर्दोष है, उसने सिर्फ मेरे कहने पर तुम्हें ठुकराया था। देखो मेरी माया गलत नहीं है, तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो, तुम्हें सारी बात नहीं पता। माया को तुमसे और तुम्हें माया को दूर करने में सबसे बड़ा हाथ मेरा था, मैं ही वो हूँ जिसने वो फ़ोटोज़ तुम तक पहुँचाए थे और तुम्हारे अंदर ये बात पैदा कर दी थी कि माया किसी और से प्यार करती है और वो तुम्हारे साथ बस प्यार का खेल खेल रही है। मैं बस ये चाहता था कि तुम मेरी बेटी से दूर चले जाओ, लेकिन देखो तुम चाहो तो मुझे मार दो, लेकिन मेरी माया को छोड़ दो, मैं अपनी माया को कुछ होते हुए नहीं देख पाऊँगा। कहते हैं ना, एक इंसान बहुत जल्दी अपनी औकात में आ जाता है। सावंत कपूर धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर ये सब कह रहा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। उद्देश्य ने सावंत कपूर को बाहर करवा दिया, वो चिल्लाता रहा लेकिन उद्देश्य ने उसे बाहर निकलवा दिया। पार्किंग में उसकी गाड़ी खड़ी थी, वो उसमें जाकर बैठ गया लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर घबरा रहा था। उद्देश्य को ज़रा सा भी विश्वास नहीं था सावंत कपूर पर, क्योंकि वो बहुत ही छलिया इंसान था, वो कब क्या कैसे बन जाए किसी को नहीं पता चलता, इतना बड़ा धूर्तबाज था वो डॉक्टर। अंधेरी रात हो चुकी थी, अपूर्वा एकदम शांत लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से से खौलती हुई वहीं दीवार से टेक लगाकर बैठी थी।
आज सुबह जो कुछ हुआ था वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। आज तक किसी भी आदमी ने उसको इतने करीब आकर छुआ नहीं था। घंटे भर तो बीत ही चुके थे। दरवाज़ा जब खुला तो अपूर्वा ने गुस्से में दरवाजे की ओर देखा। जैसे उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही था। आदेश ही वहाँ पर था। अपूर्वा गुस्से में उसे देख रही थी। आदेश उसके पास आया और खाने की प्लेट उसके सामने रख दी, लेकिन अपूर्वा ने गुस्से में खाने की प्लेट उठाकर फेंक दी। आदेश ने जब यह देखा तो उसने बिखरे हुए खाने को देखा और अपूर्वा के सामने आकर कहा, तुमने खाने को इस तरह क्यों फेंका? तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है लड़की। मैं बस इतना जवाब चाहती हूँ कि तुमने मेरे साथ बदसलूकी क्यों की, क्योंकि मैं तुम्हारी नीयत से वाकिफ़ हो चुकी हूँ। तुम एक कैरेक्टरलेस आदमी हो जिसने एक किडनैप की हुई मासूम लड़की का शोषण किया है। तुमने मेरे साथ गलत किया, बहुत ही ज़्यादा गलत। तुमने बिना मेरी परमिशन के मुझे किस किया। मैं तुम्हारे भाई से ये सब कहूँगी, उसे पता तो चलना चाहिए कि उसके उसके भाई के अंदर कोई कमी नहीं है। दोनों ही एक जैसे हैं राक्षस। अपूर्वा की बातें अब आदेश के कंट्रोल से बाहर थी। वो गुस्से में अपूर्वा के ऊपर झुकते हुए उसके चेहरे को पकड़कर चिल्लाकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को राक्षस बोलने की? वो डेविल नहीं है, और आइंदा उसे गलत शब्द कहा अगर तुमने कुछ भी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अपूर्वा बोली, तुम्हारे इस गुस्से से मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ, और हाँ, मेरे मन से तुम्हारे लिए बस इतना निकलेगा कि तुम जहाँ मरो तो तुम्हें कीड़े पड़े कीड़े, और तुम्हारा भाई जहाँ मरे उसे भी कीड़े ही पड़ेंगे। अब तो आदेश के कंट्रोल से सब कुछ बाहर था। उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसे साइड की दीवार पर चला दिया। जब तक उस बंदूक की सारी गोलियां ख़त्म नहीं हो गई तब तक वो उसको चलाता रहा। ना जाने क्यों वो अपूर्वा पर गुस्सा नहीं कर पा रहा था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी हार्टलेस माफिया द डेंजरस मैन मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।